जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हिंदी साहित्य में। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे हिंदी साहित्य की, जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाती है। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय, जो भी परचेस करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 4700 इसमें प्रश्न होंगे, ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, चिन्हित कीजिएगा कौन सा युग्म सही नहीं है। शिल्पा जी, पुनीता जी और मधुमय जी, क्या होगा सही राइट आंसर। तनु जी, 4 विकल्प आपके हैं, इनमें से आपको बताना है। पुनर नभा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तितली जयशंकर प्रसाद, अमृत ओबेसी अमृतलाल नांगर या प्रत्याग पत्र भगवती चरण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 56 और 56 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 4 सही आंसर लगा दें, त्याग पत्र भगवती चरण वर्मा। ये वाला जो युग्म है वह कैसा है, सुमिलित नहीं है, सही युग्म नहीं है। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर होगा। लवली जी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी कौन सी मानी जाती है, ममता, कफन, बहादुर या फिर उसने कहा था। ये आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही राइट आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित में से आपको बताना है। इन कहानियों में से सर्वाधिक सशक्त और प्रसिद्ध कहानी की बात करें तो वह मानी जाती है कौन सी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 57 में राइट आंसर है। क्या राइट आंसर, डी उसने कहा था। उसने कहा था ये वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। कहानी किसकी मानी जाती है कमेंट में बताइएगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर आपका 58 यहाँ पर दिया गया है, कवि दिनकर की रचना उर्वशी का मूल भाव है अध्यात्म दर्शन या फिर प्रेम और काम दर्शन, भक्ति दर्शन या फिर वैराग्य दर्शन। नमो शुक्ला जी, स्वतंत्र गुप्त जी, क्या होगा सही राइट आंसर। तो कवि दिनकर की रचना है उर्वशी और इसका मूल भाव आपसे पूछा गया है जो कि माना जाता है क्या। बिल्कुल सही, उसने कहा था, गुलेरी जी की मानी जाती है कहानी। और उर्वशी का जो मूल भाव है वह बी वाला विकल्प आपका सही राइट आंसर है। प्रेम और काम दर्शन आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 पूछा गया है कि महादेवी की निम्नलिखित में से किस रचना पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, महादेवी वर्मा जी की। वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी रचना है, दीपशिखा है, यामा है, नीरजा है या सांद गीत है। 59 में यतेंद्र जी, बबीता जी सही राइट आंसर की बात करें, महादेवी वर्मा की रचना जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, यामा राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन क्या है, यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को। लोकायतन किसकी रचना है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, लोकायतन किसकी रचना है, पंत, महादेवी वर्मा, नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर तन्मय जी जो 60वां क्वेश्चन है विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत मानी जाती हैं जो है, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये माने जाते हैं लोकायतन रचना, इन्हीं की जो है मानी जाती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा 61वां क्वेश्चन पूछा गया है, छावते कुटीर गहू रम्य, जमुना के तीर गोन रोन रेती, सो कदापि करते नहीं, किसका कथन है। कथन आपसे 61 में आपसे पूछा गया है, श्री कृष्ण का, बाबा नंदे का, राधा का या फिर उद्धव का बताइए।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है, ये कथन आपसे पूछा गया है किनका कथन माना जाता है अंजलि जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि 61 में विकल्प नंबर डी उद्धव आप सभी का सही राइट आंसर होगा। उद्धव का ये कथन माना जाता है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे 62 पूछा गया है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह वाक्यांश किस कहानी का है। वह कहानी आपके लिए चयन करना है, कौन सी कहानी है, नमक का दरोगा, पर्दा, सती या फिर बहादुर, बताइए। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, और एक वाक्यांश जो है किस कहानी का माना जाता है, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 62 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, पर्दा। पर्दा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। तन्मय जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, पर्दा होगा सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 63वां क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के नायक और नायिका है कौन माने जाते हैं, गोदान उपन्यास के नायक और नायिका, चयन कीजिएगा। चार विकल्प दिए गए हैं, गोबर झुनिया, मेहता मालती, माता दीन दुलारी, होरी धनिया। तो क्वेश्चन 63 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और विकल्प नंबर आपका सही राइट आंसर होगा, डी वाला विकल्प बहुत जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, होरी और धनिया आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 पूछा गया है, हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, कौन सा माना जाता है, साकेत, प्रिय प्रवास, कृष्णायन या फिर लोकायतन। 64 में चयन कीजिएगा सही राइट आंसर क्या होगा, मनीषा जी, अंश जी और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का पूछा प्रथम महाकाव्य माना जाता है कौन सा, विकल्प नंबर बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि प्रिय प्रवास, हरिओत जी का प्रिय प्रवास आप सभी का सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यनम शब्द में संधि आपके लिए बताना है, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। और सिन्नी जी क्या होगा सही राइट आंसर 65 में, मनीष जी उड्डयनम शब्द में संधि चयन करना है, और 65 में विकल्प नंबर आपका सही राइट आंसर है विसर्ग संधि, सी राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 66 पूछा गया है, अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पैदन विदेश चली जाते हैं अति खुआरी, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखे थे, ये आपके लिए बताना है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। और राइट आंसर होगा आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आप सभी का यहाँ पर कि 66 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, क्या विकल्प नंबर 66 में आपका डी राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का सही आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार रस है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर ये जो है गलत हो गया आपका ये क्वेश्चन, ये यहाँ पर उद्यनम विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक है सही राइट आंसर 65 में, बिल्कुल सही 65 में आपका ये वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर होगा,
यानी कि व्यंजन संधि आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर एक होगा सही राइट आंसर व्यंजन संधि यहाँ पर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 में निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है, तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है 67 में। विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर 67 में बताना है, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा डी, यानी कि डी में बीसल देवरासो, बीसल देवरासो आप सभी का सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 68 पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म के साहित्यकार पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक रहे, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, इनमें से आपको चयन करना है क्या है सही आंसर बताइए। पंडित दौलतराम, रामप्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारी हिंद, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्टे। तो 68 में आप सभी का राइट आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर बी अमित जी बी राइट आंसर होगा, यानी कि लल्लूलाल और सदल मिश्र, ये जो है आपका विकल्प बी वाला जो है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइए 69 में आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चार विकल्प यहाँ पर विजय जी दिए गए हैं, पूर्णमल है, भारमल, तप्तमल या फिर जटमल। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन माने जाते हैं, और 69 में आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, जटमल। जटमल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। इस ताबर शब्द का विलोम आपके लिए बताना है कौन सा होगा, 70 का सही राइट आंसर बताना है, जड़, जंगम, चेतन, अचेतन। इस ताबर में बताना है आपके लिए क्या होगा सही राइट आंसर, इस ताबर शब्द का विलोम शब्द चयन करना है। और 70 में बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि जंगम राइट आंसर लगा दीजिएगा, जंगम यहाँ पर सही आंसर है, इस ताबर का विलोम माना जाता है जंगम। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया, संदेश राशक है जो, इसके रचयिता आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। 71 में आपके लिए सही राइट आंसर बताने अब कवि नल्ल से हैं, भट्ट, केदार भट्ट हैं, अब्दुल रहमान हैं या फिर रमजान शेख हैं। देवव्रत जी, सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है संदेश राशक, और इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन, 71 में सही राइट आंसर है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान आप सभी का विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है अब्दुल रहमान, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है कि कैदो व्योम बीतिका भरे हैं भूमि धूम केतु, इस पंक्ति में आपके लिए क्या बताना है, अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है 72 में आपके लिए चयन करना है बताइए, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति या फिर उपमा। 72 का राइट आंसर आपके लिए चयन करना है बताइए। और मधुसूदन सिंह जी राइट आंसरों का यहाँ पर 72 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है, क्या होगा राइट आंसर, 72वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर आपके लिए अलंकार बताना है, तो विकल्प नंबर आपका बी होगा यहाँ पर सही राइट आंसर, संदेह होगा सही राइट आंसर, संदेह अलंकार आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बताइए, चतुर्मास शब्द में समास बताना है, कौन सा समास है, द्वंद समास है, अव्यय भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विगु समास है। रोहिणी जी बताइए, सागर जी क्या होगा सही राइट आंसर, 72वां क्वेश्चन, 73वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चतुर्मास शब्द में समास आपके लिए बताना है, और 73 में आप सभी का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी यानी कि द्विगु आप सभी का सही आंसर है, द्विगु समास का प्रयोग किया गया है चतुर्मास शब्द में। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 74वां क्वेश्चन पूछा गया, की रति भानति भूति भले सोई सुर सरी सम सब कह हित होई। ये आपके लिए इस चौपाई से भाव प्रकट होता है संपन्नता का, लोक मंगल का, गंगा की पवित्रता का या फिर यश का, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 74 है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। इस चौपाई से भाव प्रकट होता है, किसका भाव प्रकट होता है? विकल्प नंबर बी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, लोक मंगल का। तो लोक मंगल आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, लोक मंगल का भाव प्रकट होता है। तन्मय जी बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे 75 पूछा गया है, सूर्यदास की भक्ति है दास्य भाव की, सख्य भाव की, चातक भाव की या फिर गोपी भाव की, बताइए। सूर्यदास की भक्ति आपसे पूछ लिया गया गणेश जी, क्या होगा सही राइट आंसर चयन करना है। सरल क्वेश्चन है, 75वां क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है 75 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि सख्य भाव की भक्ति मानी जाती है। किनकी? सूर्यदास की। सूर्यदास की भक्ति कई बार पूछा गया है, सख्य भाव की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 76वां क्वेश्चन है, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन के सब दास, इस काव्य उक्ति या कथन में किस प्रकार की आलोचना पद्धति के दर्शन होते हैं, बताइए। गवेषणात्मक आलोचना, भाववादी आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, 76 का सही आंसर बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ममता जी, क्वेश्चन नंबर 76 में विकल्प नंबर जिन्होंने चयन किया है सी, उनका सही राइट आंसर है निर्णयात्मक आलोचना। निर्णयात्मक आलोचना आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 3 बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं? 77 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? भरत मुनि है, संकोक है, मम्मट है, नंदकेश्वर है। तो चयन कीजिएगा सभी लोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि रस की चर्चा करने वाले सर्वप्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, और 77 में बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? तो 77 में आप सभी का विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, यानी कि भरत मुनि। भरत मुनि आप सभी का जो है सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य की परिभाषा की रचयिता आपके लिए बताना है, कौन माने जाते हैं बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग चयन करेंगे, आचार्य दंडी, राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ या फिर आचार्य भोज, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है कि सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया यहाँ पर, ये परिभाषा अपन ने कई बार पढ़ी है। क्या सही आंसर इसका? विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी विश्वनाथ सी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, आचार्य विश्वनाथ जी की परिभाषा मानी जाती है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बिल्कुल सही। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को चिन्हित करना है, अशुद्ध शब्द बताना है, कौन सा शब्द अशुद्ध है बताइए, वर्तनी की दृष्टि से बताना है प्रमोद जी। 4 विकल्प दिए गए हैं और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर 79 में, और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर सी, यहां पर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा कि सही नहीं बताना आपके लिए, अशुद्ध बताना है। तो नेहा जी अशुद्ध में सी वाला विकल्प सही आंसर है, उपरोक्त। उपरोक्त ये वाला विकल्प कैसा है? ये जो है बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द माना जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है? भाई युग आपके लिए बताना, वीर गाथा काल, भक्ति काल, द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 80 में विकल्प नंबर क्या होगा सही राइट आंसर, बट यहाँ पर बताना राम की शक्ति पूजा किस युग की रचना है। और संजय जी बिल्कुल सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा, छायावादी युग।
छायावादी युग आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपको यहाँ पर जो है सम्मिलित करना 81 में, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। ये आपके यहाँ पर कूट भी दिए गए हैं, ये है आपके कूट, एक बार देख लें, इन कूट की सहायता से आपको सम्मिलित करना है। और वीर गाथा काल, इसका जो समय बताना है कब से कब तक माना जाता है, तो 81वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर सभी को बताने, तो वीर गाथा काल का जो समय है विक्रम संवत 1050 से 1375, रीति काल विक्रम संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से अब तक, और भक्ति काल जो है विक्रम संवत 1375 से 1700 तक। इस प्रकार यहाँ पर जो है सम्मिलित किए गए हैं, विकल्प एक आप सभी का सही आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। नागमती वियोग वर्णन पद्धति है, ये आपसे पूछा गया है, षड ऋतु वर्णन पद्धति, बारह मासा पद्धति, ऋतु वर्णन पद्धति या फिर प्राकृतिक वर्णन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 82 में सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है नागमती वियोग वर्णन पद्धति है, और 82 में आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है बी, यानी कि बारह मासा पद्धति, बारह मासा पद्धति आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है संदेश काव्य, दूत काव्य, उपालंब काव्य या फिर विरह काव्य। क्वेश्चन नंबर 83 में विनोद जी चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, लाइक अवश्य कर लेंगे, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग। 83 का सही राइट आंसर बताना है, भ्रमर गीत परंपरा के काव्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उपालंब काव्य, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। उपालंब काव्य जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे 84 पूछा गया है, बताइए कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं है, बताइएगा सोना, धतूरा, आटा या फिर कन्या, बताइए कनक शब्द के निम्नलिखित अर्थों में से एक सही नहीं बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर 84 में जो आपका देखिए सोना तो होता है इसका अर्थ, धतूरा भी होता है, आटा भी होता है, लेकिन कन्या, कन्या जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं होता है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही राइट आंसर, लवली जी डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द हिंदी भाषा का नहीं है, चिन्हित कीजिएगा हिंदी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है, बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, व्याकरण से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और आप सभी का सही राइट आंसर है 85 में कि विकल्प नंबर जो हिंदी भाषा शब्द, हिंदी भाषा का शब्द नहीं है वह नियर, नियर आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, विकल्प नंबर डी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द नहीं माना जाता है, विकल्प नंबर 4 आप सभी का नियर राइट आंसर होगा। किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है, वह कवि आपके लिए बताना है, भूषण है, पद्माकर है या फिर सूरती मिश्र है या मतीराम है, बताइए। शिल्पा जी क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पर हिंदी भाषा का शब्द नहीं पूछा गया था, तो जो नियर है वह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर 86 में आपके लिए बताना है कि भक्ति, श्रृंगार, वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक किन्होंने लिखा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, कई बार आपने जो क्वेश्चन है पढ़ चुके हैं, विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, पद्माकर, पद्माकर आप सभी का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 है, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है, बताइए। बिल्कुल प्रियंका जी, लाइव क्लास चल रही है और क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, 87 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। शेयर करते हैं सभी लोग वीडियो को ताकि सभी लोग जो है जुड़ जाएं इस लाइव क्लास से, और 87 में आपके लिए चयन करना है
ये पंक्ति किस कवि की मानी जाती है? तो विकल्प नंबर बी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बी आप सभी का सही राइट आंसर है, सूरदास आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 आपसे पूछा गया है कि अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? बताइए, चयन कीजिएगा क्या होगा सही राइट आंसर। संजो जी बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 88 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह सही राइट आंसर है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस सन में हुई थी? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 89 पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा सही राइट आंसर आपको बताना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना बताना है किस सन में हुई थी। आरती जी, ममता जी, तनु जी, वह सन आपके लिए चयन करना है। और सभी लोग 89 में विकल्प नंबर बी बता रहे हैं, यानी कि 1936 आप सभी का जो है सही राइट आंसर होगा। दीपक जी जिन्होंने विकल्प नंबर बी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इनमें से एक जीवनी परक उपन्यास है, जीवनी परक उपन्यास कंजन नयन है, भूले बिसरे चित्र है, झूठा सच है, या फिर एदन मम है, बताइए। चयन कीजिएगा, जीवनी परक उपन्यास बताना है, कौन सा माना जाता है, 90वां क्वेश्चन पूछा गया है। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर क्या होगा, चार विकल्प आपके दिए गए हैं और किसके जीवन पर आधारित है ये भी आपके लिए बताना है, और इसके लेखक कौन माने जाते हैं ये भी आप बताइए। राखी जी बिल्कुल सही राइट आंसर है कि खंजन नयन एक जीवनी परक उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर एक जो है वह आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, खंजन नयन राइट आंसर लगा देते हैं। मन्नू भंडारी की कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है, वह कृति आपके लिए बताना है, बताइएगा। महाभोज, आपका बंटी, त्रिशंकु, या फिर एक प्लेट सैलाब, हाँ सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास माना जाता है खंजन नयन, और अमृतलाल नागर जी का, बिल्कुल सही विजय जी, बहुत बढ़िया पिंकी जी। तो आप सभी का यहाँ पर आपके लिए बताना है कौन सी कृति राजनीतिक विषय पर आधारित है, मन्नू भंडारी की, 91 का राइट आंसर होगा आप सभी का यहाँ पर ए, यानी कि महाभोज, महाभोज आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक मनोवैज्ञानिक आलोचक है, मनोवैज्ञानिक आलोचक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा, जॉर्ज लुकाच है, या फिर आई ए रिचर्ड्स हैं, कॉलरेज हैं, या फिर क्रोचे हैं। 92 में सभी लोग सही राइट आंसर बताएंगे। रीता जी क्या होगा सही आंसर, इनमें से आपको सुनैना जी बताना है कि एक मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन माने जाते हैं, और सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, कॉलरेज, कॉलरेज आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से, हरिनारायण व्यास बताइए, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या चौथा सप्तक, इनमें से आपको चयन करना है। हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से माना जाता है, और आप सभी का 93 में सही राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर लगा दीजिएगा, 93 में दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक आप सभी का सही आंसर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प नंबर बी सभी लोगों ने सही राइट आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की मानी जाती है, बताइए, उक्ति बताना है, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, भारतेंदु, या फिर बालकृष्ण भट्ट। रिया जी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है ये उक्ति मानी जाती है किनकी, बालकृष्ण भट्ट जी की, विकल्प नंबर डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए,
वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत के संपादक कौन है, ये आपके लिए 95 में बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर? 95 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ समीकरण यानी कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये आपके लिए बताना है। सिद्धांत के जो संपादक माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? 95 का राइट आंसर है एलन रेट। एलन रेट सी वाला विकल्प जो है वह सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक कहानी से प्रसाद सिंह की है, वह कहानी आपके लिए बताना है। अनंत जी बताइएगा, लाइक अवश्य कर ले सभी लोग, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य कर ले। और आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कि एक कहानी से प्रसाद सिंह की है और 96 में बहुत सारे लोगों ने बताया है। क्या बताया राइट आंसर? कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार बिल्कुल सही, बी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? मित्रों मर जानी, हम हसमत, जिंदगी नामा या फिर यारों की यार, बताइए। सांझी संस्कृति को विषय बनाकर कृष्णा सोबती ने कौन सी रचना की है? और संगीता जी आप सभी का यहाँ पर 97 में सही राइट आंसर है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा आप सभी का सही राइट आंसर है। जिंदगी नाम कर दी किसके? कृष्ण के। कृष्ण के जिंदगी नाम कर दी तो कृष्ण से कृष्णा सोबती, ये इनकी जो है रचना मानी जाती है जिंदगी नामा, जो कि सांझी संस्कृति को विषय बनाकर ये रचना की गई है। कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती नाटक बताने प्रहलाद चरित, आनंद रघुनंदन, कलि कौतुक रूपक या फिर चंद्रसेन नाटक। 98 में सभी लोग चयन करेंगे कौन सा नाटक भारतेंदु का पूर्ववर्ती माना जाता है। और आप सभी का 98 में सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो बी है आनंद रघुनंदन, वह आप सभी का सही आंसर होगा। आनंद रघुनंदन मानसी यादव जी, विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर यहां पर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए, कौन माने जाते हैं? जहांगीर जसचंद्रिका रसलीन है, आलम है, पद्माकर है या फिर केशव दास है? जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार पूछा गया है, 99 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर डी बताया है, केशव दास। केशव दास आप सभी का सही आंसर होगा। जहांगीर जसचंद्रिका ये रचना मानी जाती है किनकी? केशव दास की रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है बताइए? बाला बोधनी, कवि बच्चन सुधा, हिंदी प्रदीप या फिर श्री शारदा? स्तुति जी क्या होगा सही राइट आंसर? वह पत्रिका आपके लिए चयन करना जो भारतेंदु युग की नहीं है। और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर यहां पर 100 में जो डी है वह सही राइट आंसर होगा, श्री शारदा। बाला बोधनी है, कवि बच्चन सुधा है, हिंदी प्रदीप है, लेकिन श्री शारदा पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं मानी जाती है, बिल्कुल सही दीपमाला जी, बिल्कुल। तो विकल्प नंबर डी आप सभी का सही आंसर है। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है बताइएगा? 101 में आपके लिए सही राइट आंसर बताना, आगा हस्र कश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचन शर्मा उग्र या मुंशी सदा सुखलाल, बताइए। चयन करना है आपके लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना मानी जाती है? और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 101 में राइट आंसर सी राइट आंसर है, चंद हसीनों के खतूत उग्र हो गए हैं। चंद हसीनों के खतूत उग्र हो गए तो पांडे बेचन शर्मा उग्र आपका सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। मुक्तिबोध का निधन किस सन में हुआ था? वह सन आपके लिए बताना, 1961 में, 1963 में, 1964 में, 1965 में, बताइए। चयन कीजिएगा, चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। मुक्तिबोध का निधन बताना है किस सन में हुआ था? 102 का राइट आंसर,
और 102 में भी आपका सी राइट आंसर होगा। मुक्तिबोध का निधन हुआ था 64 में, 64 आपका 1964 जो है सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं, राजा रामचरण दास है या फिर जीवा राम है, महाराज रघुराज से है या आचार्य कृपानिवास है। 103 में राम भक्ति में रसिक संप्रदाय की शुरुआत करने वाले कौन माने जाते हैं, और जिन्होंने पुष्पा जी यहाँ पर रजनी जी ये चयन किया है रामचरण दास, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा रामचरण दास। आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर एक जो है वह सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। बादशाह दर्पण के लेखक आपके लिए बताना 104 में कौन माने जाते हैं, बादशाह दर्पण के लेखक अब्दुल रहीम खानखाना है, राजा से प्रसाद सितारे हिंद है या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या अबुल फजल। बादशाह दर्पण के लेखक आपके लिए बताना है, क्वेश्चन नंबर 104 है और 104 में आप सभी का सही राइट आंसर है और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 104 में विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 105 पूछा गया है, इन दुखिया अखियानों को सुख सिर जोई नाही, देखत बने ना देख तय अन देखे अकुलाही, ए दोहा किस कवि का माना जाता है। 105 में आपके लिए बताना है, ये दोहा चयन करना है, देव कवि का है, मतीराम का है, बिहारी का है, पद्माकर का है, किसका दोहा है बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प हैं, इनमें से आपको चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है छवि शंकर जी, और 105 का सही राइट आंसर है ये दोहा माना जाता है बिहारी का, किनका, बिहारी जी का। बिहारी जी ने एक रचना की है, मात्र एक रचना, जिसका नाम है बिहारी सतसई, जो कि कई बार पूछी गई है, 713 दोहे हैं इसमें। अगर विकल्प में आपके क्वेश्चन में पूछा जाए बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 713 अगर विकल्प में ना हो तो 719 दिए होंगे, अगर 719 भी ना होंगे तो 723 आपके जरूर दिए होंगे। इस प्रकार जो है अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग अलग माने हैं, तो जो है विकल्प में भी आपके अलग अलग आएंगे, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य बताना है कौन माने जाते हैं, भट्ट नायक है, विश्वनाथ है, आनंद वर्धन है या फिर मम्मट है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आपके लिए बताना है, और इसको अपन ने याद भी किया था, कोई अच्छी सी ध्वनि सुनाओ जिससे आनंद की अनुभूति हो, आनंद से आनंद वर्धन आपका जो है सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जो है भाई आप सभी का सही आंसर है, ध्वनि संप्रदाय सिद्धांत के जो है प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। कई बार अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है, 107 का सही आंसर बताना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, धूमिल ने, रघुवीर साय ने, चंद्रकांत देवताली ने, बताइए। हाँ सागर जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गणेश जी, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 107 में, पटकथा कविता किस कवि ने लिखी है, और 107 का आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि बी लगा दीजिएगा, धूमिल, धूमिल आप सभी का सही राइट आंसर है, जो पटकथा कविता थी वह धूमिल में मिल गई, तो धूमिल आप सभी का सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है, मूल लेखक बताना है, विजय तेंदुलकर है, गिरीश कर्नाड है, बादल सरकार है, जेपी देशपांडे हैं। लाइक अवश्य कर ले, जीपी देशपांडे हैं, यहाँ पर चयन करना है इनमें से। लाइक बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्या बात है, सभी लोग जल्दी से लाइक कर ले, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि यहाँ पर 108 में जो विकल्प नंबर आपका दिया गया है एक, उनका सही राइट आंसर है विजय तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर आपका सही राइट आंसर है। घासीराम कोतवाल के लेखक जो है माने जाते हैं, नाटक विधा की रचना है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है, वह उपन्यास है कौन सा है, बेदखल, कसप, रुकोगी नहीं राधिका, दास्ताने लापता। 109 में क्या होगा सही राइट आंसर,
और किस उपन जो है वह उपन्यास बताने जो महिला लेखिका का है, वह महिला लेखिका भी आपको बताना है कौन सी है वह महिला लेखिका। और आप सभी लोग बता रहे हैं कि एक उपन्यास जो महिला लेखिका का है वह रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका विकल्प नंबर सी वाला विकल्प आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर बताया है। किनका उपन्यास माना जाता है कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 110 पूछा गया है, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है बताइए, विधा बताना है, बताइए कौन सी विधा पर ये जो है केंद्रित है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा जी का ये उपन्यास माना जाता है, बिल्कुल सही। और नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है, तो वह विधा कौन सी, 110 का राइट आंसर है आप सभी का नाटक, नाटक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं। तो इस प्रकार के जो है क्वेश्चन थे आज की क्लास में, सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करके जाइएगा, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कर लें एक बार लाइक। हिंदी साहित्य में 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप परचेस कर सकते हैं। 215 टेस्ट अलग अलग कवियों के अलग अलग जो हैं आपके लिए मिलेंगे और 4700 प्रश्न होंगे, नंबर दिया गया इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें और जो भी परचेस करना चाहते हैं परचेस कर सकते हैं। छवि जी, दीपक जी, पूजा जी और अनंत जी, संजू जी, संगीता जी, आरती जी, लवली जी, तनु जी और पुष्पा जी, पायल जी, पिंकी जी, मुनीश जी, ममता जी और दीपक जी, सीमा जी और अमित जी, दीपमाला जी, पुष्पा जी, संजू दवे जी, मनीषा गिल जी, गणेश कुमार जी, पिंकी गौर जी, सागर कुमार जी, अनंत जी, शेरनी जी, विजय शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निशा जी और शिल्पा जी, पुनीता जी, अंश यदुवंशी जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दीपमाला जी, स्वतंत्र गुप्त जी, शेरनी जी, सुनैना वर्मा जी, प्रीता जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ दीपक जी और अमित कुमार जी, सागर जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा जी, ममता जी, मनीष जी और पुष्पा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा। विजय शंकर जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। तो शेरनी जी, बिल्कुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे और एक सुबह 9 बजे भी होती है, उससे भी सभी लोग जुड़िएगा। संडे को सुबह 9 बजे वाली नहीं होती है और रोज होती है। मनीषा गिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़िएगा इन क्लासों से। और आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए शुभरात्रि। और मनीषा जी, मनीषा सिवी जी, सभी के लिए जय हिंद।